गाइस, स्वागत है हमारे चैनल मूवीज लाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में कौन हो सकता है परफेक्ट मेन विलन। तो ज्यादा देर न करते हुए बकबक को साइड रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। बात करें इस मूवी की तो इसके नाम से ही पता चल सकता है कि यह मूवी मल्टीवर्स पे आधारित होने वाली है। अब बात करें विलन के नाम की तो हम सोच सकते हैं कि इस मूवी में नाइटमेयर को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, या मतलब नाइटमेयर को लाया जाएगा मेन विलन के रूप में, जो सपनों की दुनिया का एक बुरा बादशाह है। लेकिन सोचने की बात है कि नाइटमेयर सिर्फ एक डायमेंशन का बादशाह है जिसे हम ड्रीम कहते हैं। तो यह मूवी तो मल्टीवर्स पे आधारित होने वाली है, तो सिर्फ एक डायमेंशन के विलन को इसमें इंट्रोड्यूस करना या इसमें लाना सही नहीं होगा। बस शायद कुछ मिनट के लिए इसका सीन दिखाया जा सकता है या इसको इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन मेन विलन के रोल में इसको नहीं लाया जा सकता है। तो बात करें मेन विलन इसमें हो कौन सकता है, खबर यह भी है कि चिवेल इजियोफर भी शायद विलन के रूप में वापसी कर सकते हैं। इन्हें हम मॉडो के रोल में देख चुके हैं डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, और वह सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं मूवी के लास्ट में। शायद वह वापसी एक विलन के रूप में करें, या यह भी हो सकता है कि मोडो वापसी करें और डॉक्टर स्ट्रेंज का साथ दें। इनकी वापसी तो कंफर्म है एमसीयू की तरफ से, लेकिन यह विलन बनेंगे या हीरो का साथ देंगे यह तो कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर यह विलन बनते हैं तो इनको मेन विलन के रोल में शायद ही एमसीयू इंट्रोड्यूस करेगा इस मल्टीवर्स वाले में। तब शूमा गोराथ को मेन विलन के रूप में दिखाया जा सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में, क्योंकि शूमा गोराथ अंधेरे और बुराई के इन्फिनिट रियल्म का बादशाह है। मतलब वह अनंत दायरे का मालिक है, जो कि परफेक्ट मैच बैठता है मल्टीवर्स से। वैसे बात करें तो कई और भी विलन है जो शायद नजर आ जाए, जैसे मेफिस्टो, लेकिन इन सब का नाम मल्टीवर्स से रिलेशन में कभी कॉमिक में नजर नहीं आया। इसीलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शूमा गोराथ ही मेन विलन के रोल में इस मूवी में नजर आ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दें कि क्या कौन सा विलन आ सकता है इस मूवी में। बात करें रिलीज डेट की तो 7 मई 2021 को यह रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से 25 मार्च 2022 को अब रिलीज होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना राय दीजिए कि आप डॉक्टर स्ट्रेंज के इस मूवी में किस विलन को देखना चाहते हैं, या किसी विलन के आपको ओरिजिन स्टोरी के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, हम उस पर अलग से जरूर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हमें मिलेगा। चलिए, थैंक यू।